नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में आया हूँ कांदोलिम बीच पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा सनी हो रखा है। तो देखते हैं आज कांदोलिम बीच में क्या होता है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं कांदोलिम बीच का, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये पार्किंग एरिया है कांदोलिम बीच का और यहाँ से हम मेन सर्कल है यहाँ का और यहाँ से हम एंटर करेंगे कांदोलिम बीच में। सो यहाँ गेट के पास लिखा हुआ है वेलकम कांदोलिम। सो हम अभी बीच के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बीच के पास कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ छोटी छोटी शॉप्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा और बाकी सारे बीचेस पर भी होते हैं ऐसे छोटे छोटे शॉप्स। तो कुछ खाने पीने की चीज़ें, स्ट्रीट फूड वगैरह, आपको स्वीट कॉर्न वगैरह मिल जाएगा खाने के लिए। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं। सो तो हम यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं देखें मिल जाएगा खाने पीने के, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। और एक शेक है जो कि मुझे लगता है अभी बंद हो चुका है। अभी हम लोग कांदोलिम बीच में एंटर कर गए हैं, इसके पास पहुंच गए हैं और देखते हैं यहाँ का क्या माहौल होने वाला है आज। थोड़ा सा आज जो वेदर है विंडी है, थोड़ा सा बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही हैं, आवाज़ मेरी से क्लियर आएगी नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। सो यहाँ पे पहले शेक था, वो बारिश के कारण निकाल दिया गया है और अभी कुछ चीज़ें निकाल भी रहे हैं। तो एक और दो शेक यहाँ पे था, वो चीज़ें अभी निकाल दी हैं और बाकी ये वाला जो है ये अभी बचा हुआ है। तो थोड़ा सा माहौल जो है यहाँ का हमें क्राउडी लग रहा है। हम लोग यहाँ से इस साइड से शुरू करेंगे वीडियो बनाना अभी। और बीच का लुक देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ठीक लग रहा है बीच के पास और बहुत ज़्यादा क्राउडी नहीं है फिलहाल, लेकिन मौसम को देखते हुए क्राउड अच्छा खासा है। यहाँ पे जैक्सन बीच कैफ़े है और शेक वगैरह जो है अभी खुलना शुरू हो गए हैं, निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश में क्या होता है अनसेफ रहता है, वाटर लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है, इसलिए बारिश के मौसम में ये लोग शेक वगैरह निकाल देते हैं। धीरे धीरे ये सब, जैसे बोट शेक है ये भी धीरे से निकाल दिया जाएगा। सो फिलहाल अभी है कुछ शेक बचे हुए हैं। सो हम बारिश पर ही बात करने वाले हैं और बारिश का कुछ ऐसा माहौल है कि अभी 4-5 दिनों से बारिश बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पहले वीक में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, लगा था कि अब सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं और शेक वगैरह बहुत जल्दी से निकलना शुरू हो गया था, लेकिन अचानक से ये हुआ कि बारिश वगैरह रुक गई हैं और सारी चीज़ें फिर से शुरू हो गई। यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं यहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा अपोजिट में चल रही हैं, सो इसलिए ये लोग यहाँ पे खड़ा करे हैं। अभी हम अब देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है। सो अभी हम यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाएंगे बीच से होते हुए। अभी हम लोग उस साइड का माहौल देख लिए हैं कैसा था, तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बीच पे क्या माहौल होने वाला है। तो पानी, वाटर लेवल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है और अच्छा खासा क्राउड हमें आज देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा माहौल सनी भी है। सो हवा भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रहा है यहाँ पे और लाइफ गार्ड वगैरह जो हैं वो हमें अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेव्स जो हैं बहुत ज़्यादा देखेंगे आप, वो वेव्स यहाँ तक आ रही हैं, जो वेव्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ, देख सकते हैं कितना ऊपर तक आ रही हैं, तो इसलिए वो हमें बीच बीच में अलर्ट करते रहते हैं जो लाइफ गार्ड्स हैं। तो अभी गोवा का माहौल जो है बारिश को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो काफ़ी सही चल रहा है। और अगर प्लान कर रहे हैं तो आराम से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश आना स्टार्ट हो जाए, कब बंद हो जाए। फिलहाल तो पिछले 3-4 दिनों से भी बारिश नहीं आई हुई है और काफ़ी सही यहाँ का
हमें माहौल लग रहा है। तो ये था हमारा रिव्यू था। फिलहाल अभी हम लोग बीच के आखिरी छोर तक जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स यहाँ पे आ रही हैं। बाकी नॉर्मल डेज़ में ऐसे इतनी बड़ी बड़ी वेव्स वगैरह नहीं आती। यहाँ पे लोग अपना नहा के अपना सनबाथ लेते हुए दिख जाएंगे आपको। तो हवा भी बहुत ज़्यादा ज़ोर चल रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी ये चीज़ वो थोड़ा सा बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वीडियो शुरू कर दिया, मैंने चेक नहीं किया हूँ। तो आप लोग देख लेना। और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो आप, पहले कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें माहौल देखने के लिए मिलेगा। और हम अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो हमें सिंकेरिम बीच देखने के लिए मिलता है। और जो कलंगुट बीच की हम बात करें तो ये थोड़ा सा जैसे बागा बीच या फिर बागत और कलंगुट बीच, ये सब थोड़े से साइज़ में इससे बड़े हैं। और जो कांदोलिम बीच है बहुत थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में है, बहुत ही छोटा सा है। जैसे देखेंगे आपकी, जैसे अभी मैंने वीडियो वहाँ से शुरू किया था और यहाँ एंड तक आते आते ख़त्म हो जाता है। अभी जो शेक वगैरह यहाँ पे थे आप देख सकते हैं, ये सब निकाले जा रहे हैं बारिश के टाइम में, पानी ऊपर तक आ गया क्योंकि वेव सब शाम हो रही है ना, तो शाम के टाइम में थोड़ा सा वेव जो हैं बड़ी बड़ी आने लगती हैं। और अभी थोड़ी आधे घंटे बाद फिर नहाने की यहाँ पे परमिशन भी हमें नहीं होगी। जो प्लेस है ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए है और वहाँ पे वो लोग बोट का वेट कर रहे हैं लोग आने का। यहाँ पे कितने सारे शेक वगैरह थे, यहाँ पे पूरा ये सब पूरा ये एरिया जो है भरा हुआ करता था। फिलहाल अभी हम देखते हैं तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हर एक एरिया हमको खाली दिखेगा। शेक वगैरह सारे उजाड़ दिए गए, निकाल दिए गए हैं। बस रीज़न बस यही है कि ये जो है अभी देखो, तो यहाँ से सामने से सन आ रहा है तो थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है। वेव्स जो है रात में यहाँ तक आ जाती हैं और जब बारिश शुरू होती है तो ऊपर तक जाती हैं, तो इसलिए जो होता है ये लोग शेक वगैरह निकाल देते हैं। और बारिश में शेक चलते भी नहीं हैं क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं, तो बारिश में कुछ कोई बीच पर बहुत कम लोग आते हैं, तो इसलिए बारिश में इसको निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि बारिश में, और गोवा के बारिश के बारे में बताऊं तो यहाँ पे एक बार अगर बारिश शुरू होती है ना तो बंद होने का नाम नहीं रहती, 24 घंटा पूरा दिन पूरा रात हमेशा ऐसे चलते रहता है। तो इसलिए बारिश में, और कहते हैं कि थोड़ा सा ऑफ सीज़न हो जाता है जिसको पीसफुल पसंद है, जैसे हनीमून के लिए आ रहे हैं या फिर ऐसा शांति के लिए आ रहे हैं, वेकेशन शांति से थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो उनके लिए जो है बारिश के टाइम में थोड़ा सा ठीक रहता है। बस वही जब बारिश शुरू होती है तो बंद होने का नाम नहीं लेती, हर जगह पानी पानी पानी, तो वो माहौल हो जाता है। यहाँ पे लाइन से शेक वगैरह बने हुए थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और एक यहाँ इस साइड में था और एक उसके जस्ट बगल में था, है ना। लेकिन इसको देखो पूरा खोल दिया गया है, एक भी नहीं है। 1, 2, 3, 4 शेक लाइन से यहाँ पर थे, चारों यहाँ पर ओपन कर दिया गया, मतलब खोल दिया गया है, बंद हो गए हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया हूँ जहाँ पे शेक वगैरह था, यहाँ से भी शेक वगैरह निकाल दिए गए हैं और कुछ शेक बचे थे तो उसको निकाल के साफ़ किया जा रहा है। यहाँ से लाइन से सारी चीज़ें यहाँ पे खुल रही हैं। सारे बीच का यही माहौल होता है इस टाइम में। ये बारिश वेव्स देखें, कितनी बड़ी बड़ी वेव्स यहाँ पे हमें देख रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। और एक्चुअली मेरा पैर भी यहाँ पर गंदा हो गया, ये देखो कितनी बड़ी वेव्स आई। ये लाइव अपडेट कांदोलिम बीच का, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, जय हिंद।